हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेसन ऑफ फिजिक्स ऑफ द न्यू सिलेबस हैविंग नेम इज रोटेशनल डायनेमिक्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट मैकेनिक्स विच वी हैव सीन इन लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड। मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ सॉरी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। So in mechanics we have studied study of motion and forces acting on the object. So the mechanics is now separated in two branches, statics and kinetics. So what is mean by statics? In statics we are study of object which are in rest. In statics we are there is a study of object which are rest. Rest is a most important one in this topic. And now next branch of the mechanics is a kinetics. In kinetics study of object, in kinetics study of object which are at motion. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे kinetics में ऐसे object इसका मतलब जो object motion में है उसका study किया जाता है, किसमें? तो kinetics में। और स्टैटिक्स में क्या किया जाता है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका स्टडी किया जाता है। और काइनेटिक्स के दो ब्रांचेस है, पहला ब्रांच है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। सो काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका स्टडी किया जाता है, लेकिन उसमें फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मोशन के लिए। फिर अगर हम लोग इसीलिए इसमें इसके जो न्यूटन्स के जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, अगर हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन वी मीन्स वेलोसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ई मीन्स एक्सेलरेशन, टी मीन्स टाइम। देन सेकेंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। And third equation is v square is equal to u square plus twice as, which we have seen in the previous standard. So this, in this kinematical equation, Newton's kinematical equation, there is no force. So अगर हम लोग देखेंगे kinematics में, तो इसमें वही बताया है कि अगर एक kinematical equation ले, इसमें किधर भी force नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब force को consider नहीं किया जाता है। अगर हम लोग dynamics में जाएंगे, तो dynamics में क्या होता है कि force को consider किया जाता है। जब हम लोग स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसका अगर स्टडी करेंगे, तो स्टडी करते समय उसमें फोर्स को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रीपेटल फोर्स है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ऐसे फोर्सेस को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो ये था डायनेमिक्स वाला कंसेप्ट। तो हम लोग यही देखने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसमें हम लोग को ये सब फोर्सेस वगैरह जो कुछ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन है उसको स्टडी करना है। फिर उसके बाद हमारा नया कंसेप्ट है हैविंग नेम इज, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन पेज में देखेंगे इस टॉपिक के टेक्स्ट बुक में, तो उसमें सर्कुलर मोशन के इंट्रोडक्शन में दिया है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज, व्हेन वी चेक डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व होता है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ क्या होती है? दो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है। तो इसमें रिवॉल्यूशन वाला कंसेप्ट आता है सर्कुलर मोशन में, जिसमें अगर अभी अर्थ है, अर्थ मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, और सन भी क्या है? सन भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब अर्थ का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अबाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट, दिस मोशन वी कैन से दैट सर्कुलर मोशन। सो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, जो मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल, लेकिन किसके अबाउट करता है? दूसरे किसी पार्टिकल के अबाउट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया कि अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, तो सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व होती है तो क्या परफॉर्म करती है? वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है।
तो इसी प्रकार अगर हम लोग रोटेशनल मोशन में देखेंगे तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन है और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैंने बताया सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अबाउट और उसके आउट ऑफ पॉइंट ऐसा ही रिवॉल्व होता है। और रोटेशनल मोशन में अगर देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है। और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड नहीं तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट होता है। अगर इसमें देखेंगे तो ये रिजिड बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस है उसका और ये बॉडी रोटेट हो रही है। तो जब ये बॉडी रोटेट होती है तो किसके अबाउट रोटेट होती है, तो उसके सेंटर सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट होती है। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग देखेंगे जो रोटेट होती है वो किसके अराउंड रोटेट होती है, तो एक्सिस ऑफ उसी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट होती है। और सर्कुलर मोशन में देखेंगे तो बॉडी जो होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अबाउट रिवॉल्व होती है। तो रिवॉल्यूशन वाला कंसेप्ट आता है इसमें और रोटेशन वाला कंसेप्ट आता है रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट था। फिर उसके बाद हम लोग को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं सर्कुलर मोशन की। What are the characteristics of circular motion? इसमें फर्स्ट characteristics है, it is an accelerated motion. So what is mean by accelerated motion? Accelerated क्यों बोला इसको? अगर हम लोग देखेंगे पार्टिकल मूव हो रहा है, जब वो यहां पे था ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पथ और ये पार्टिकल मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये पार्टिकल मूव हो रहा है जब ये मूव होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, ये जो लीनियर वेलोसिटी इसको बोलेंगे, ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पथ। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो यू विल गेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब मिलता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो ये जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होती है तो भी परफॉर्म होते समय इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो जब बोले वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो जो मोशन जो होती है पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है और वो मोशन जो परफॉर्म करता है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। इसीलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है, क्योंकि हर जगह पे अगर हम लोग देखेंगे हर पोजिशन पे एवरी इंस्टेंट एनी इंस्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यू विल गेट सम एक्सेलरेशन। सो दैट इज व्हाई अगर एक्सेलरेशन मिलता है तुम लोग को तो पार्टिकल वो एक्सेलरेट होता है, वो जो परफॉर्म करता है वो मोशन, उस मोशन को फिर एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। सेकेंड थिंग इज इट इज पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन किसे बोला जाता है, जो मोशन रिपीट होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो मोशन रिपीट होती है इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो सेम टाइम में रिपीट होती है मोशन, उसी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। तो पीरियोडिक मोशन बोला जाता है मतलब अभी यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे अर्थ रिवॉल्विंग रिवॉल्व अराउंड द सन, जब अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड, ये अर्थ है सपोज यहाँ पे और यहाँ पे सन है सेंटर में, तो जब ये अर्थ रिवॉल्व होती है तो रिवॉल्व होते समय वो सेम पाथ रिपीट करती है, उसी पाथ में ट्रैवल करती है, उसी पाथ में ट्रैवल करती है, सेम पाथ फॉलो करती है। जब इसका मोशन मतलब इसका मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और उसका जो मोशन है आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम में रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसके मोशन को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। सो दैट इज वाई सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। नाउ
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो कंसेप्ट दिया है बुक में, उसके पहले हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन क्या होता है। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में क्या क्या आता है? अभी यहां पे अभी एक व्हीकल है और ये व्हीकल मूव रहा है, यहां से यहां तक उसने इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से लेके यहां तक, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट ऑकर हुआ है उस टाइम पे, तो डिस्प्लेसमेंट है यस। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, यहां से एक व्हीकल मूव हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो डिस्प्लेस हुआ है यहां से कार यहां तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट है यस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है तो कितने वेलोसिटी से, अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कौन से फॉर्मूले से, तो v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो व्हाट इज मीन बाय डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, s मींस डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा t मींस चेंज इन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ तब वेलोसिटी मिलती है, तो ये जो वेलोसिटी मिलती है तो इस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, यहां से लेके यहां तक जो पार्टिकल जब डिस्प्लेस हुआ और डिस्प्लेस होने के बाद जो वेलोसिटी मिली, तो यहां से यहां तक मूव होने के लिए जो उसको जो उसकी जो वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी की वेलोसिटी को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी तुम लोग को मिलती है। फिर इसके बाद एक एक्सेलरेशन भी मिलेगा तुम लोग को, वो जो एक्सेलरेशन है वो भी तुम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा, जब वेलोसिटी